नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 15 दिसंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। करंट अफेयर ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत को थर्ड टाइम मुख्यमंत्री चुना गया है। इससे पूर्व वो दो बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री चुना गया है सचिन पायलट को। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। उसके राज्यपाल है कल्याण सिंह। लोकसभा सीट राजस्थान में 25 है और राज्यसभा सीट 10 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान यह सबसे बड़ा राज्य है। सेकेंड, दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु षड्यंत्र किस देश ने परिचालित किया? रूस। रूस की राजधानी मॉस्को है और इसकी मुद्रा रूबल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव है। थर्ड, भारत और एशियाई विकास बैंक ने आसाम के लिए कितने मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? 60 मिलियन US डॉलर। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और इसकी स्थापना 1966 को हुई थी। एशियन विकास बैंक के अध्यक्ष है टाके इको नकाओ। फोर्थ, यस बैंक ने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? ब्रह्मदत्त। यस बैंक की स्थापना यह 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। यस बैंक के CEO है राणा कपूर। हाल ही में किसने लोक संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण की? भारत भूषण व्यास। UPSC के चेयरमैन है अरविंद सक्सेना और संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति की जाती है। सिक्स्थ क्वेश्चन, किस राज्य के स्टार्टअप हेल्प अस ग्रीन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा गंगा नदी को स्वच्छ बनाने में योगदान के लिए सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इसके राज्यपाल राम नाईक हैं और इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। लोक संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी लोकसभा सीट 80 है और राज्यसभा सीट 31 है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और इसके राज्यपाल सत्यदेव नारायण है और इसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। इसकी में लोकसभा की सीट 10 है और राज्यसभा की सीट 5 है। फरवरी 2019 में मॉरिशस देश गीता महोत्सव का आयोजन करेगा। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट रुइस है और इसकी मुद्रा मॉरिशियाई रुपया है। 8 क्वेश्चन, लोकमत संसदीय पुरस्कार 2018 के विजेताओं की पूरी सूची। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये दो लोगों को दिया गया है, राज्यसभा सांसद शरद पवार जी और मुरली मनोहर जोशी जी। सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार गुलाम नबी आज़ाद और BJP के सांसद निशिकांत दुबे। थर्ड, सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद सदस्य लोकसभा सांसद रामदेवी। फोर्थ, राज्यसभा में सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद सदस्य DMK नेता कनिमोजी। फिफ्थ, सर्वश्रेष्ठ पहली महिला सांसद राज्यसभा छाया वर्मा। सिक्स्थ, सर्वश्रेष्ठ पहली महिला सांसद लोकसभा हेमा मालिनी। 9th क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पूर्ण सदस्य बन गया है? इजराइल। फाइनेंशियल टास्क फोर्स में कुल 38 सदस्य है और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और इसकी मुद्रा इजराइली नई सेकल है। क्वेश्चन 10,
184 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ वैश्विक डेब्ट पहुंचा अभी तक के सर्वोच्च स्तर पर, ऐसी घोषणा किसने की है? ऐसी घोषणा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एमडी है क्रिस्टिना रगाडे, जो कि जर्मनी से है और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। 11th क्वेश्चन, किसे यूएसएन पैनल ऑफ ऑडिट का वाइस चेयर बनाया गया है? भारत देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि। दोस्तों, हम डेली 5 देशों की राजधानी और मुद्रा डिस्कस करेंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं। भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटानी निकोत्रम इसकी मुद्रा है। नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाली रुपया इसकी मुद्रा है। श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे और कोलंबो है और इसकी मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा टाका है। पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और इसकी मुद्रा रुपया है।